like a bell cut. बच्चों नमस्कार, आज हम कक्षा 9 के क्षितिज पाठ्यक्रम के काव्यखंड का 16वां अध्याय यमराज की दिशा पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं महान कवि श्री चंद्रकांत देवताले जी। सर्वप्रथम हम उनका परिचय जान लेते हैं। श्री चंद्रकांत देवताले जी का जन्म 7 मई 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा इंदौर में हुई। इसके बाद उन्होंने मुक्तिबोध पर सागर विश्वविद्यालय सागर से पीएचडी की। 60 हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से भी संबद्ध रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा बोध एवं दर्शन, इनकी कविता की भाषा अत्यंत सहज एवं सरल है। इनकी कविता में पूर्ण पारदर्शिता एवं विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। देवताले जी की कविताओं में जूता पॉलिश करते हुए एक गरीब लड़के से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई रचना बुद्ध के देश में बूस तक शामिल है। इनकी रचनाओं में दलितों, वंचितों, आदिवासियों, शोषितों आदि की आवाज़ मुखर होकर निकलती है। अपनी लोकप्रियता के कारण इनकी कविताओं का अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं में तो हुआ ही है, साथ ही साथ विदेशी भाषाओं में भी इनका अनुवाद हुआ है। पुरस्कार एवं सम्मान, हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान एवं अंतिम महत्वपूर्ण पुरस्कार सन 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल है। यह उनके कविता संग्रह पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए दिया गया है। इस महान सपूत का देहावसान ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 2017 में हो गया। बच्चों अब हम यमराज की दिशा के समय, काल एवं परिस्थिति के बारे में जान लेते हैं, अर्थात यमराज की दिशा का जो कविता है उसका सारांश जान लेते हैं। श्री चंद्रकांत देवताले जी ने अपनी इस कविता में सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार के साथ ही साथ जीवन विरोधी ताकतों का बोलबाला बढ़ते ही जा रहा है। समाज में हर जगह बुराई फैल चुकी है। कवि को लगता है कि अब चारों तरफ यमराज का ही वास है। ऊंची ऊंची इमारतें, शोषक वर्ग रूपी यमराज का आलीशान घर बन गया है, जिसमें रहने वाले लोग अपनी लाल लाल आँखों से डराकर आम जनता के सुख चैन को छीन लेते हैं। हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं घुस चुकी हैं और इसी कारण बस सभी एक दूसरे के मौत के प्यासे हो गए हैं। इस परिस्थिति में कवि को अपनी माता की याद आती है, जिसने उन्हें बचपन में बताई थी कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है, लेकिन अब जबकि माँ नहीं है, तब उनका बताया हुआ नुस्खा
भी अब काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अब कवि को लगता है कि अब हर घर हर दिशा यमराज का दिशा हो गया है, अर्थात यमराज सर्वव्यापी हो गए हैं और इसी कारण से उनका नींद व चैन कहीं खो गया है। इसी कारण करुणा की अभिव्यक्ति है यह कविता। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। इस कविता में कवि अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहने में सफल हुए हैं।